यार पता है क्या, लास्ट के दो वीडियो ना मैं आइसक्रीम 4 पे बना चुका हूँ, और दोनों वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कोड को कैसे फाइंड करना है और उसका यूज कैसे करना है। लेकिन सच कहूँ ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वो मेरे भी समझ में नहीं आया। सच कह रहा हूँ। तो यार आज का वीडियो है ना, वो इसी बारे में है। इसमें मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि कोड को कैसे फाइंड करना है और वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा और उसको यूज भी कैसे करना है। तो छोटा सा वीडियो है यार, वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि तुम्हारे सारे डाउट्स ना आज क्लियर होने वाले हैं। देखो यार, हमें ना एक कोड चाहिए होता है जिससे हमें इलेक्ट्रिकल गन मिलता है, और वो कोड है ना, वो हमें टोटल 7 जगह से मिलती है। यानी कि वो कोड फाइंड करने के लिए हमें 7 जगह पे देखना पड़ता है, फिर जाके हमें टोटल 4 कोड मिलते हैं, और वो 4 कोड लगा के हम इलेक्ट्रिकल गन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो ये है कि मैं तुम्हें 7 जगहें दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे कोड मिलने के चांसेस होते हैं, और उन जगहों के ना मैंने नाम रखे हैं ताकि तुम्हें याद रह सके और मुझे भी याद हो कि वो जगहों के नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहली जगह है ये वाला, तो इसका नाम मैंने रखा है बैक ऑफ म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पे पीछे साइड हमें कोड मिलता है, अभी नहीं है लेकिन पीछे कोड मिलता है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं बैक ऑफ म्यूजियम। अब चलते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे कोड मिल सकता है, वो जगह है यहाँ पे एक डमी होता है ये वाला, इसके पीछे भी हमें कोड मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसका हम नाम रख देते हैं रोड डमी इसका नाम होगा, और इसके पीछे जो कोड होता है ना, वो यूज़ कैसे करना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। तो ये है जगह नंबर 2। अब चलते हैं जगह नंबर 3 कौन सी है। तो तीसरी जगह ये है, ये पेंटिंग है जिसके हमें लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई कोड मिलता है, अभी नहीं है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत दफ़ा हमें कोड मिलता है, तो इसका नाम हम रख देते हैं पेंटिंग लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये नाम याद रखना। अब चलते हैं चौथी जगह कौन सी है जहाँ पे हमें कोड मिलने के चांसेस हैं यार। तो फोर्थ जगह ये है जहाँ पे हमें कोड मिल सकता है, तो ये बाइक के पीछे लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं इसका नाम रख देते हैं बैक ऑफ बाइक, यहाँ पे भी हमें कोड मिलने के चांसेस होते हैं बहुत दफ़ा, जैसे अभी मिला हुआ है। और पांचवी जगह है वो है ये, तो दीवार के ना पीछे कभी कभी कोड लिखा होता है, जैसे अभी भी लिखा हुआ है, तो इसका नाम रख देते हैं बैक ऑफ वॉल, ठीक है, तो ये भी एक कोड है लेकिन ये बाद में मैं तुम्हें यूज करना बताऊंगा, अभी तुम सिर्फ जगहें देख लो कौन सी जगह पे हमें कोड मिल सकता है। तो एक पेंटिंग है ये वाला, इसके ना बहुत दफ़ा क्या होता है कि राइट साइड पे ना कोई कोड लिखा होता है, जैसे अभी भी लिखा हुआ है, तो एक जगह है ये वाला जहाँ पे हमें कोड मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो टोटल हमारे पास जगहें हो गई हैं 6, तो इसका नाम हम रख देते हैं पेंटिंग राइट साइड, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 7 जगह कौन सी है। तो जो 7 जगह है ना, लास्ट वाली जगह है जहाँ पे हमें कोड मिलने के चांसेस होते हैं, वो है ये वाला। अब देखो ना, ये एक डमी है जो कि हाउस का है, तो इसका नाम हम रख देते हैं डमी ऑफ हाउस या हाउस डमी रख देते हैं, ठीक है। तो एक जगह ये भी है जहाँ पे भी हमें कोड मिल सकता है, तो टोटल हमारी 7 जगहें हो गई हैं जहाँ पे हमें कोड मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये तो तुम जान गए वो 7 जगहें कौन सी हैं जहाँ पे कोड मिल सकता है। तो अब मैं तुम्हें अरेंज करना सिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी जगहों पे कोड मिलेगा और उसको कौन से नंबर पे रखना है। अगर हमें पेंटिंग राइट साइड पे कोई कोड मिलेगा तो उसको रखना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे, और यहाँ पे देखो कोड है हमारा 5, ठीक है, तो पहला कोड हो गया 5। इसी तरह अगर बैक ऑफ वॉल पे अगर कोई कोड मिलेगा तो उसको रखना पड़ेगा सेकेंड प्लेस पे, और यहाँ पे भी कोड है तो हमारा कोड हो गया 5-7। और यार बाइक के पीछे अगर कोई भी कोड होगा ना, यानी बैक ऑफ बाइक कोई कोड होगा, तो उसको हमेशा रखना पड़ेगा 3rd प्लेस पे, तो देखो यार यहाँ पे भी कोड है तो हमारा कोड हो गया 5-7-6। अगर पेंटिंग के लेफ्ट साइड पे कोई कोड होगा तो उसको रखना पड़ेगा 4th प्लेस पे, और यहाँ पे पेंटिंग के लेफ्ट साइड कोई भी कोड नहीं है, तो हमारा कोड अभी तक 5-7-6 ही होगा। इसी तरह यार अगर रोड के पीछे कोई कोड होगा ना, यानी रोड डमी के पीछे कोई कोड होगा, तो उसको रखना पड़ेगा 5th प्लेस पे, तो यहाँ पे देखो यार 8 कोड है, तो हमारा टोटल कोड हो गया 5-7-6-8। तो इसी तरह अरेंज करना है, लेकिन आगे अभी मैं तुम्हें 6 वाला प्लेस दिखाता हूँ। तो 6 वाला प्लेस है वो है ये म्यूजियम, अगर यहाँ पे कोई भी कोड होगा तो वो 6 प्लेस पे होगा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई कोड नहीं है क्योंकि कोड हमारे पूरे हो चुके हैं। और जो लास्ट वाला प्लेस है वो है हाउस डमी, अगर यहाँ पे कोई भी कोड होगा तो उसको हमेशा रखना पड़ेगा आखिर में, तो हमारा टोटल जो कोड हो गया ना वो हो गया 5-7-6-8। तो अब मैं तुम्हें गेम प्ले में दिखाता हूँ कि हमें कोड यूज़ कैसे करना है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज़ होता है।
तो एक काम करते हैं कि देखो यार, हमें पहला कोड कहाँ पे मिला था, वो मिला था पेंटिंग के राइट साइड पे, तो ये फर्स्ट प्लेस है तो 5 होगा सबसे पहले। तो बेक ऑफ वाल पे 7 है तो ये सेकंड प्लेस है, तो ये सेकंड नंबर पे रखना है, यानी कि 5-7 हो गया है। तो थर्ड प्लेस हमारा था बेक ऑफ बाइक, तो अगर बेक ऑफ बाइक पे कोई कोड होगा तो उसको हमें थर्ड प्लेस पे रखना पड़ेगा, तो 5-7-6 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कोई कोड नहीं मिला था, लेकिन हमें डमी के पीछे एक कोड मिला था, तो ये हो गया 8, तो 5-7-6-8 कोड हो गया हमारा टोटल। ठीक है, तो अब हमारा कोड हो गया टोटल 5-7-6-8। तो एक काम करते हैं, ये लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। तो तुम्हें अरेंजमेंट तो समझ में आ गई होगी ना, अब इसी तरह अरेंज करना है और इसी तरह लगाना पड़ेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो हम पहले लगाते हैं 5-7-6 और ये हो गया 8, तो ये लग गया तो लग गया ना। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा मस्ती भी करते हैं और मैं तुम्हें सेकंड एग्जांपल भी दिखाता हूँ, यानी कि एक और गेम प्ले का कोड लगा के दिखाता हूँ। सॉरी, दूसरा कहाँ पे लगाएं, किसको मारें, इसको मारते हैं, और ये तो पहले ही उड़ा हुआ है ये देखो तो चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तुम्हें टोटली 100% समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक और गेम प्ले स्टार्ट किया है, अभी मैंने कोई कोड लगाया नहीं है और ना ही मैंने कोड देखे हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ पे कोड मिलता है और उसको कहाँ पे किस जगह पे रखना है। ठीक है, तो टोटल 7 जगहें होती हैं, तो देखते हैं शुरू से, देखते हैं यानी म्यूज़ियम वाली जगह से देखते हैं और देखते हैं कि उसकी जगह कौन सी है। तो यहाँ पे अगर कोई कोड होगा तो बेक ऑफ म्यूज़ियम में होता है, वो होता है 6 प्लेस पे, तो ये देखो यहाँ पे है 5, तो ये इसको रखना पड़ेगा 6 प्लेस में। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे एक था डमी ऑफ रोड, था रोड नहीं है एक्चुअली, ये उसके बाप का है लेकिन फिर भी इसको मैं रोड ही कह रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो इसको प्लेस को खाली रख दो। यहाँ पे देखो पेंटिंग के हमें लेफ्ट साइड पे कोड मिला, अगर हमें पेंटिंग के लेफ्ट साइड पे मिलता है तो वो रखते हैं हम 4th प्लेस पे, तो हमारा कोड हो गया यार 4-5। इसी तरह चलो अब आगे चलते हैं, बेक ऑफ बाइक वो 3rd प्लेस होता है, यहाँ पे भी कोई कोड नहीं है, चलो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे है, तो ये हो गया 4-5 हो गया, क्योंकि बेक ऑफ वाल होता है 2nd प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा कोड 4-5 हो गया। अब लास्ट कोड रह गया, तो वो देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो देखो यार यहाँ पे कोड है पेंटिंग के राइट साइड पे, तो मैंने क्या कहा था अगर पेंटिंग के राइट साइड पे कोई कोड होगा तो उसको रखना पड़ेगा 1st प्लेस पे, तो हमारा कोड हो गया 0-4-5। तो अब 0-4-5 लगा के देखते हैं, ये लग गया देखा। तो इसी तरह अरेंजमेंट रखनी है और इसी तरह कोड लगाना पड़ेगा, इसी तरह यार कोड वाला पजल हो जाएगा सोल। तो मैंने पूरी कोशिश की यार समझाने की, तो अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने YouTube छोड़ के ना ढिंचक पूजा से शादी कर लूँगा और उसके साथ गाने शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि ये काम तो अब मुझसे हो नहीं रहा, तो मैं समझा नहीं पा रहा। देखो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ यार किसको समझ में आई अभी भी, किसको समझ में नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ यार। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल IIM खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।